लेकिन अब आया हूँ, लोगों ने जोर से स्वागत किया, प्यार दिया। मुझे तो लगा था कि 3 महीने के बाद लोग मुझे भूल जाएंगे, लेकिन मैं कल से देख रहा हूँ, आज सुबह से देख रहा हूँ। आज सुबह अभी मैं माननीय उद्धव ठाकरे साहब से मिलने जाऊँगा, कल वो लगातार मेरे से बात कर रहे थे। आज सुबह शरद पवार साहब का भी फोन था, वो भी बीमार है, लेकिन पवार साहब को भी मेरे बारे में बहुत फिक्र थी है, तो मैं पवार साहब से जाकर मिलूंगा। बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं, अभी अभी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी का फोन चल रहा था। कल जिस प्रकार का कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, उस बारे में पूरे देश में एक अच्छा माहौल बना है। मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, ना ईडी पर करूंगा, ना जिस जिस लोगों ने ये साजिश रची थी, अगर उनको आनंद मिला होगा तो मैं उनके आनंद में सहभागी हूँ, लेकिन मेरे मन में किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है और न मैं करूँगा। जो मुझे भुगतना था, मेरे पार्टी को भुगतना था, हमने भुगत लिया है। मेरे परिवार ने बहुत कुछ खोया है जी। तो होता है ऐसा जिंदगी में, राजनीति में हम लोग, लेकिन इस प्रकार की राजनीति देश के इतिहास ने कभी न देखी है। हमारा देश 150 साल गुलामी में था, उस काल में भी इस प्रकार की पॉलिटिकल वेंडेटा की राजनीति हमने देखी नहीं। दुश्मनों के साथ भी अच्छा व्यवहार किया जाता है पॉलिटिकल में, लेकिन फिर भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ, उस मैं पूरे सिस्टम को दोष नहीं दूंगा, ना मैं किसी केंद्रीय जांच एजेंसी को दोष दूंगा। अच्छा काम करने का मौका उनको भी मिलता है, करना चाहिए, सबको करना चाहिए। महाराष्ट्र में एक सरकार नहीं बनी है, मैं 3 महीने से बाहर हूँ। कुछ निर्णय सरकार ने अच्छे भी लिए हैं महाराष्ट्र के, मैं उनका स्वागत भी करूँगा। विरोध के लिए विरोध नहीं करेंगे हम लोग, कभी ना किया है। जो चीज़ें जनता के लिए और राज्य के लिए और देश के लिए अच्छी होती है, उनका हमेशा स्वागत करना चाहिए। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी ने कुछ निर्णय अच्छे लिए हैं। जब मुझे अखबार पढ़ने का मौका मिलता था तो मैं पढ़ लेता था, और मैं ये भी देखता था कि अच्छा निर्णय है, खास